एक होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के गुआंगजो में 30 साल के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। दरअसल 30 साल के शख्स के कान में अचानक तेज खुजली होने लगी। इस खुजली के साथ इस शख्स के कान में दर्द भी बढ़ता गया। परेशान होकर जब ये शख्स डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर इस शख्स का कान देखकर हैरान रह गए। इसके कान में एक जिंदा छिपकली मौजूद थी। एक वेबसाइट के मुताबिक शख्स रात को जब सोया तो वो ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही उसके कान में खुजली होने लगी और दर्द भी शुरू हो गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका कान देखा और वो शॉक्ड हो गए। इस शख्स के कान में एक जिंदा छिपकली घूम रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उस छिपकली को बेहोश कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि अगर वो ऐसा न करते तो छिपकली शख्स के दिमाग तक पहुंच सकती थी और उसकी जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद डॉक्टर ने शख्स के कान से उस छिपकली को बाहर निकाला। इस शख्स को 2 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और ये शख्स अब पूरी तरह से ठीक है। ऑब्जर्वर डाउन ब्यूरो।